भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी नवीन जिंदल की धर्मपत्नी और नेशनल बाल भवन के पूर्व चेयरपर्सन शालू जिंदल ने कहा कि नवीन जिंदल ने 10 साल तन मन धन से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की सेवा की। उनका उद्देश्य कुरुक्षेत्र को बेहतर बनाना है, इसलिए विकसित कुरुक्षेत्र, विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण के लिए कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से जिताए। शालू जिंदल जींद रोड स्थित जखोली बस अड्डे के पास बाइक रैली रवाना करने के अवसर पर अपने विचार प्रकट कर रही थी। उन्होंने कहा कि वे कैथल की बहू बेटी हैं, इसलिए लोगों का आशीर्वाद लेने आई हैं। आज वक्त है कुरुक्षेत्र वासियों का सपना साकार करने का। नवीन जिंदल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये विश्वास दिलाती हूँ। इस अवसर पर विधायक लीलाराम गुज्जर, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, सुरेश गर्ग, कैलाश भगत, युवा नेता सुमित गर्ग के अलावा सैकड़ों भाजपा नेता, कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। जो आपकी बेटी और कुरुक्षेत्र की बहू के रूप में आई हूँ, जो आप सबसे अपने पति श्री नवीन जिंदल जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपकी बहुमूल्य वोट की अपील लेकर आएंगी। आप सब अपने भाई, अपने बेटे नवीन जिंदल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं, आपके जाने परखे हैं। नवीन जिंदल जी 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक यहाँ पे कुरुक्षेत्र के सांसद रहे। उन 10 सालों में नवीन जिंदल जी ने बहुत सारे जन सेवा के कार्य भी यहाँ पर किए। आज मॉडल टाउन में आके मुझे ऐसा लग रहा है, इस एरिया में आकर जैसे मैं अपने परिवार में वापस आ गई हूँ। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। इतना आपने मुझे आदर और स्नेह दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सभी युवा बेटों का, भाइयों का, जिन्होंने हमें मोटरसाइकिल में अभी रैली करवाई और यहाँ तक आपके पास पहुँचाया, उन सब का भी मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे ये भी याद है कि मॉडल टाउन, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से हमेशा आपने नवीन जी को जिताया है। तो आज उसी के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे के लिए। नवीन जी का एक ही लक्ष्य है, विकसित कुरुक्षेत्र। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास, नवीन जी का सपना है कैसे कुरुक्षेत्र में रहते हुए हर वर्ग का जीवन बेहतर हो। इसी के लिए आज आपके बीच में जन सेवा के और बहुत सारे की योजनाएं लेके नवीन जी आए हैं। नवीन जी चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय कौशल का, वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्किल ट्रेनिंग का यहाँ पर खोला जाए। ये जो कौशल का विश्वविद्यालय होगा, इसमें तरह तरह के कौशल सिखाए जाएंगे युवा बेटों के लिए, बेटियों के लिए। और जो मार्केट डिमांड के कौशल है वो तो जरूरी सिखाए जाएंगे, ताकि जैसे ही हर साल 10,000 बच्चे कौशल सीख के निकलेंगे, निकलते ही उनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी और खुद आत्मनिर्भर होकर भी वो अपने आप ही अपनी आमदनी कर सकते हैं। दूसरी जो नवीन जी का सपना है वो है कुरुक्षेत्र को, कैथल को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को शिक्षा सशक्त करने का सपना। जितने यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों को जिंदल फाउंडेशन की मदद से और सरकार की मदद से एक ऊंचे स्तर पर लाया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्तर का है। और तीसरी योजना उन बच्चों के लिए है जो बीपीएल परिवारों से, उस वर्ग से आते हैं जहां पर गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, उन बच्चों के लिए 10,000 बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, जहाँ पे हॉस्टल भी होगा, वो बच्चे वहाँ आके रहेंगे, पूरी शिक्षा प्राप्त करेंगे 12वीं तक। उसके बाद वो बच्चे जो भी आगे कुछ करना चाहे, उसमें जिंदल फाउंडेशन उनका हाथ तब तक थामे रखेगी जब तक वो अपने पैरों पर पूरे खड़े नहीं हो जाएंगे। और जो
अगली योजना है यशस्वी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है हमारी बेटियों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, जहाँ पे हॉस्टल भी होगा, वो बच्चे वहाँ आके रहेंगे, पूरी शिक्षा प्राप्त करेंगे 12वीं तक। उसके बाद वो बच्चे जो भी आगे कुछ करना चाहे, उसमें जिंदल फाउंडेशन उनका हाथ तब तक थामे रखेगी जब तक वो अपने पैरों पर पूरे खड़े नहीं हो जाते। और जो अगली योजना है यशस्वी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है हमारी बेटियों के लिए। मैंने देखा है कि कुछ वजह से कई बार हमारी बेटियां 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाती किसी वजह से। उन बेटियों के लिए जो आगे पढ़ना चाहती हैं, कोर्स करना चाहती हैं, यशस्वी योजना उनको फ्री स्कॉलरशिप देगी ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके और सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने। नवीन जी और मैं, हम दोनों मानते हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और नवीन जी ने चिकित्सा के लिए सोचा है कि कैथल हल्के में एक मोबाइल एम्बुलेंस वैन फुली इक्विप्ड, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ, नर्स और डॉक्टर के साथ यहाँ पर दी जाएगी, जो गांव-गांव घूमेगी, कुछ वार्डों में, बस्तियों में दी जाएगी, जहाँ भी उसकी आवश्यकता है, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप, फ्री दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में जिस मरीज को अस्पताल लेके जाना है कुछ ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, ये वैन वो सारा काम करेगी। साथ में नवीन जी चाहते हैं जितने यहाँ पे हमको यहाँ पर सिटी में बैठे हैं, लेकिन पूरे कैथल हल्के में भी बहुत सारे गांव हैं, तो 500 गांव में 500 जिम खोलने का नवीन जी की योजना है, ताकि सारे जो हमारे युवा हैं वो वापस सेहत की तरफ आए। और साथ ही में जिन बच्चों को आगे खेल कूद में जाना है, उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी फ्री ट्रेनिंग के लिए। अगर वो विदेश भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्री ट्रेनिंग होगी, अगर इंडिया भारत में रहना चाहकर फ्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे भी ओलंपिक मेडलिस्ट और एशियन गेम्स मेडलिस्ट बने। और एक योजना है जिंदल आशा, वो उन दिव्यांग बच्चों के लिए है जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे चल भी नहीं सकते, और कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मानसिक संतुलन से पीड़ित हैं, तो उन बच्चों के लिए दो सेंटर खोले जाएंगे, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में और एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आधुनिक मशीनों के साथ डॉक्टर उनका इलाज करेंगे और उनको वापस समाज में लाकर नौकरी के लिए भी तैयार किया जाएगा। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके अपने बेटे, अपने भाई नवीन जिंदल जी आज आपके बीच में दोबारा से आपकी जन सेवा करने आए हैं। आप उन्हें अपना विश्वास कर सूझबूझ कर उन्हें अपना विश्वास करके अपना कीमती वोट दीजिए। आप सभी को पता है कि लोकसभा प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल जी आज आपसे छोटी सी अपील लेकर आई हैं कि आने वाली 25 मई को आप लोग सभी को कमल के फूल का बटन दबाकर सिर्फ मुझे या नवीन जिंदल जी को ही नहीं, बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने वोट की ताकत देनी है और उन्हें मजबूत बनाना है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ सभी का ये सपना है कि भारत, हमारा भारत, एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बन सके, और इस सपने को पूरा करने के लिए शालू जिंदल जी आपके पास आई हैं, इन्हें एक बार आश्वासन दीजिएगा। हाँ।